समा मेरे साथ अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो अनुराग भदौरिया, युवराज यहां पर है। युवराज, 24 की भी गारंटी मोदी जी ने दे दी हैट्रिक की। अभी मतलब होता है ना, जैसे बच्चा बार में क्लास में बार बार फेल होता है तो ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, वो क्लास में जाना छोड़ देता है, अब एग्जाम ही नहीं। तो अब लग चर्चा है कि भाई 24 में फिर क्या बच रहा है, अब 24 की एक्साइटमेंट ही खत्म कर दिया इन चुनावों में। नहीं युवराज, देखिए जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि मोदी मेड द डे, तो मोदी जी आज के दिन की हाईलाइट है। और यदि इस चुनाव का कुछ गिव अवे हम लेना चाहें तो पहली चीज़ तो जनता ने एक संदेश दिया है कि हमें फ्रीबी नहीं चाहिए, हमें वेलफेयरिज्म और गुड गवर्नेंस चाहिए। ये हो गई पहली बात। दूसरा, जितना भी आप तीनों और चारों राज्यों का रिजल्ट देखेंगे तो उन्होंने एक बात और बता दी है कि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट कहीं पर नहीं है। सारा जो भी मैंडेट मिला है बीजेपी को वो डिसिसिव है, कहीं पर वो हंग असेंबली फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं है। तीसरी बात, महिलाओं का जो वोट है, जो महिला सशक्तिकरण के नारे हम इतने सालों से सुनते आए, अभी प्रियंका दीदी चीख रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बात अलग है कि तीन राज्यों में मिला के केवल एक या दो इक्का दुक्का उनको मंत्री मिले, लेकिन यहाँ पे महिलाओं का वोट बढ़ चढ़ के सामने आया है। और ना कि सामने आया है, वो बीजेपी के पास है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चौथा, बीजेपी ने एक चीज़ और बता दी कि एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, ये सारा माल हम बटोर के अपने घर पे एंड ऑफ द डे ला सकते हैं। पांचवा, यदि आप ओबीसी की बात करें, पिछड़े अति पिछड़े, एसटी एससी ओबीसी, सारा डेटा बीजेपी के पक्ष में है। जब बंपर वोटिंग होती है तो आप ये नहीं कह सकते अमन भाई कि शहरों में वोटिंग हुई है या ये समाज ने दिया उसने नहीं दिया, अपर कास्ट ने दिया लोअर ने दिया, सभी समाज ने एकजुट होकर वोट दिया। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लगा कि यदि तुम सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो सनातनी हिंदू सारे एक होके वोट करेंगे और तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, ये या हो गया। और आखिरी एक लाइन कहना चाहूँगा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणवा जोड़ा। तो ये जो कुणवा है ना, ये इज नथिंग बट डॉटेड इंडिया अलायंस, और इनके सामने एक नेता है जिसके पास नीति और नीतिगत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अजय आलोक जुड़ गए, लेकिन युवराज भाई आपके बगल में बैठे हैं, ये आप उन्हीं को बोल रहे होंगे सनातन को गाली और सनातन के सफाए स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर नफरती ग्रंथ। अच्छा, आपको सुझाव मिल रहा है, लेकिन अब अजय आलोक के पास चला जाऊं मैं, अब अजय आलोक के पास चला जाऊं। अनुराग भाई एक मिनट रुके ना, शुरुआत से नहीं जा पाया ऐसे, नहीं 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 मैं हैंडल करूंगा, ऐसे नहीं होगा, आज उनका दिन है भाई। अजय भाई स्वागत है, बधाई शुभकामनाएं आपको इस शानदार प्रचंड जीत के लिए। और मैं तो प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था, उन्होंने तो 24 में भी हैट्रिक की गारंटी दे दी है, और वो उनकी गारंटी तो हम देख ही रहे हैं, देश देख रहा है। 24 की बात क्या करनी है, जब दुबई में रहने वाला भारतीय कह रहा है 24 में 400 पार, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्या करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग जी को भी बधाई, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा इन लोगों ने। देखिए, इस चुनाव में दो ही चीज़ चली है, अगर आप तीनों राज्यों को देखेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, एक ही फैक्टर कॉमन रहा है। हमने नारा भी दिया था कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी, तेलंगाना के दिल में मोदी, लोगों के दिल में मोदी थे, और इसीलिए मोदी पे विश्वास था। एक जो नेता की क्रेडिबिलिटी होती है उस पर विश्वसनीयता होती है। वादे तो सब लोग करते हैं, सब राजनीतिक दल कहता है ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, लेकिन वो मोदी की गारंटी थी, वो भरोसा था मोदी पे जो लोगों ने दिखाया है, और उसके लिए उन तमाम लोगों का बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा दिखाया। हम एक यूनिट की तरह लड़े, हम में जनता से केमिस्ट्री थी। छत्तीसगढ़ में कोई हमें घास ही नहीं दे रहा था कि नहीं 36-38 बहुत हो गया, मध्य प्रदेश में बहुत टफ लड़ाई रहेगी, राजस्थान में मामला फंस रहा है, भैया हमारा मामला बन कहाँ रहा था? चक्कर क्या है कि हमारा मामला जनता से बन रहा था और मीडिया उस नब्ज़ को समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूँ कि इस देश की नब्ज़ को कोई समझता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। नब्ज़ को वो समझ के हम कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया था कि तीनों राज्य हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे, और देखिए आज नतीजा सामने है। क्योंकि देश जानता है कि झूठे वादे और सच्चाई दोनों में फ़र्क क्या है, ईमानदारी से काम करना और देश के प्रति समर्पित होने में फ़र्क क्या है। इसलिए एक लोग कहते हैं अब कि मोदी है तो मुमकिन है। अनुराग भदौरिया, सबक आप लोगों के लिए भी है। अब मैं सवाल ले लेता हूँ, आपको लगता है कि ये जो हाल हुआ है कांग्रेस का, वो सनातन के सफाए और पूरा जो जवाब दिया, जो युवराज भी कह रहे थे कि 80 बटने को तैयार नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी सबक है? आप
पार्टी में जो नेता हैं जो नफरती ग्रंथ से लेकर रामचरितमानस को क्या क्या अपशब्द कहते हैं, आपको भी बुरा लगता है, आप भी मुझे ऑफ एयर कहते हैं कि गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो आपको भी लगता है कि अब ये चीज आप लोग सबक लेंगे और एंटी हिंदू स्टेटमेंट तुष्टिकरण के चक्कर में आप लोगों को भी अवॉइड करनी होगी अगर मोदी को चैलेंज करना है, क्योंकि कांग्रेस के बस की तो है नहीं, अब आप भी देख रहे हैं, आप कहीं अखिलेश जी शायद संभवतः चुनौती दे सकते हैं, अब जो दे सकते हैं, है ना अनुराग भाई? देखिए तो फिर आप लोग सबक लेंगे आप अनुराग भाई? देखिए आपने बोला कि ऑफ एयर, मैं ऑन एयर ही बोलता हूँ कि हम इस बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर नफरत की राजनीति करती है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, इसके लिए बधाई। अब जनता की समस्या का भी ध्यान देना, आप मैंडेट तो जनता का ले लेते हो माहौल की जाति धर्म की राजनीति को फैला के, और जनता हमेशा आपको मैंडेट देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो सकता है कि आप एक दो बार चार बार कई बार आदमी इस तरह का चुनाव जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा जीत पाएंगे, क्योंकि आप अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों पर तो आप बात करते नहीं, हाँ बोलते जरूर हो, महिला समस्या पर आप बोलते जरूर हो, लेकिन जब उनके साथ कोई समस्या होती है तो आप खड़े नहीं होते हो, आप किसान की बात करते जरूर हो चुनावी में, लेकिन जब किसान को दिक्कत होती है तब उनको बेचारों को धरना देना पड़ता है, तब आप उनके साथ नहीं होते हो। जहां तक कि आप बेरोजगारी और महंगाई की बात बोलता हूं, एक सवाल मेरी बात, मैं एक बात बीच में कि वो चुनाव जीतना अलग चीज है, मैंने भी रिसर्च कर रहा था, समाधान करना अलग चीज है, मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो ये अनुराग भाई के लिए है कि हम लोग ऐसे नेताओं के खिलाफ है ना, ये हेडलाइन पढ़िए कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन, विवादों के बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में किया बड़ा प्रमोशन। अनुराग भाई मैं बोलूं, देखिए हम सनातन को गाली देते हैं, आप प्रमोशन कर देते हैं, हमने पहले भी बोला और फिर बोलते हैं, और लगातार पार्टी ने भी बोला है कि हम ऐसे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती, प्रमोशन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं, बात सुनिए, चिल्लाई में चिल्लाने से प्रमोशन करते हैं, हां चिल्लाऊंगा मैं, एक बार सनातन को गाली देते हैं, प्रमोशन करवा देते हैं, एक मिनट रुकिए, क्या बनाया था उनको बताऊं मैं आपको, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गौडसे को कि राष्ट्रभक्त बनने वाले को क्या बताती है, या महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं उनके हत्यारे को क्या बताती है, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में अगर कोई नफरत की राजनीति करता है तो इसलिए स्वामी करती है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको बोला मैं खंडन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खंडन नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को खंडन नहीं करती है, मैंने हमेशा बोला समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए, मंच से विकास की बात करते हैं लेकिन आप विकास करते नहीं हो, ये दिक्कत की बात है, इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, जनता आपको मैंडेट देती है, भारतीय जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन गलत, मेरी बात सुनिए, हमने पहले आपको बोल दिया हम लोग ऐसी बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय होता है तो फिर वो क्यों नहीं बोलते, चलिए मेरा सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल सीधा था, किसानों के साथ अन्याय होता है तो क्यों नहीं बोलते, बोलना चाहिए ना, ये ऐसा नहीं होगा कि जनता आपको चुनेगी, जनता आपको मैंडेट देगी और जनता को आप कुछ नहीं दोगे, ये भी ठीक नहीं है। चलिए अजय भाई आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रमोशन हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो मैंने तो सामने निकाल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन दिया गया था जब उन्होंने रामचरितमानस को गाली दी थी, नफरती ग्रंथ बताया था, प्रमोशन किया था, बहरा चलिए आप बोल लीजिए अजय भाई। देखिए अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसके लिए क्या करेंगे, मतलब विकास की बात अभी भी ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, अरे भैया बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं अनुराग जी, वोट देती है बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था इतना, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, अरे हिंदुस्तान में बोलने की आपस में क्यों ऐसी बातें, बीच में बोलेंगे क्यों, बीच में बोल दो, सुन लो ना भाई, सब हिंदुस्तानी है, आप थोड़ा उनके उनके बारे में सोचो, आप सुनते क्यों नहीं, आपको सुनने की नहीं बीमारी है, ये दिक्कत है, वन साइडेड टॉपिक, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं, ऐसे अच्छा नहीं बोलिए, आप सुन लो भी, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, आप सीनियर आदमी अनुराग भाई, ऐसे करते हैं आप, बीच में मत बोलिएगा, कमरुल जमा भी बैठे हैं शांति से, युवराज भी बैठे हैं, बोलिए आप अजय, आप सब एक एक करके बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि खुली आंखों वाले जो अंधे बन जाते हैं उनका आप क्या करिएगा, ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, हमने वंचितों के लिए कुछ नहीं किया, अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें, अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं, दो चार चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में, $1 trillion की कभी आपको विजन नहीं था, योगी जी के लगता भाषण आपने विधानसभा में नहीं सुना, सामने आपके अखिलेश यादव बैठे हुए थे, क्यों नहीं सोचा आपने $1 trillion बनाया जा रहा इकोनॉमी को, वो तो आपसे कभी नहीं हुआ, और एक बात मैं बताता हूँ, ये जो धार्मिक तुष्टिकरण है ना, कांग्रेस आज क्यों जीती है TRS वहाँ पे तेलंगाना में, अमन भाई जरा सोचिएगा, इसका विश्लेषण करिएगा जरा बैठ के, हम लोग तो कर रहे हैं,
और जो पहला विश्लेषण सामने आया है कि जो मुसलमानों का वोट है शत प्रतिशत बीआरएस को छोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, ये कर्नाटका फिनोमिना हुआ है, तो कांग्रेस ने तो फिर प्रूफ किया कि वो मुसलमानों की पार्टी है। वो इस तुष्टिकरण के रेस में बीआरएस को उन्होंने हरा दिया। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको छोड़ के भाग जाएगा कांग्रेस के साथ। अब अपनी सोचिए, क्योंकि अपीजमेंट की लड़ाई में और रेस में कांग्रेस सबसे आगे निकल रही है। पहले भी कांग्रेस नंबर वन थी तुष्टिकरण में, आज भी है और आगे भी रहेगी, नंबर वन है कांग्रेस। तो ये घंटी बजी है इंडी अलायंस में, लालू यादव में घंटी बजी होगी कि अगर कांग्रेस को नहीं देंगे 10-12 सीट, अगर छोड़ दिया तो मुसलमान हमको छोड़ के भागेगा। ये पैन इंडिया फिनोमिना होने जा रहा है, ये चिंता की घंटी आप लोग के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए, ये भाजपा के लिए घंटी नहीं है, क्योंकि हम बांट के राजनीति नहीं करते हैं। हमें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहनों का, माताओं का वोट मिला है, सारा गिना भी मुस्लिम बहुल 21 सीट है, हम जीते हैं, कमाल है भाई, गिना रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का वोट हमें मिला है। आपको काम से ले रहे हैं, हम बांट के नहीं ले रहे हैं, हम डर दिखा के वोट नहीं ले रहे हैं, हम शफीकुर रहमान भट्ट नहीं है।